नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले महिंद्रा की तरफ से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टेस्टिंग के दौरान महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो को देखा गया है, तो इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को 2020 के लास्ट या 2021 के फर्स्ट तक इंडिया में लॉन्च कर देगी और महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो गाड़ी को एक मेजर अपडेट के साथ इंडिया में लॉन्च करेगी। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आपको बता दे कि महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो को बिल्कुल एडवांस फीचर के साथ लैस होगी और बिल्कुल नए अंदाज के साथ इंडिया में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर लुक्स की, तो फ्रंट में आपको महिंद्रा की बेजिंग के साथ बिल्कुल नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी और साथ ही आपको नई प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको नई एलईडी डे टाइमिंग लाइट, नए डिजाइन की फॉग लैम्प, नई एलईडी टेल लाइट, रूम फ्रेल, शार्क फिश एंटीना, ORVM टर्न इंडिकेटर, एसयूवी स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में, और टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की अलॉयबल की ऑप्शन है जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब अगर इंजन की बात करें तो महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो गाड़ी में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगी और ये दोनों इंजन आपको BS6 नाम के साथ देखने को मिलेगी और ये BS6 पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का M इंस्टॉलेशन पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 190 BHP के करीब पावर देगी और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाएगा। और इस न्यू हाई परफॉर्मेंस 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन को महिंद्रा ने ऑटो स्पोर्ट के दौरान दिल्ली में पहले ही दिखा दिया था और इससे यह उम्मीद है कि महिंद्रा अपनी इस न्यू पावरफुल 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन को नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो गाड़ी में दिखाएगा। वहीं डीजल इंजन में आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा जो कि 150 BHP के करीब पावर देगी और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाएगा और ये दोनों BS6 इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। और महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो में आपको मल्टी ड्राइविंग मोड की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी और ये SUV आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब अगर थोड़ा ध्यान दें इसके इंटीरियर की तरफ तो महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी स्कॉर्पियो आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलेगी। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको अल्ट्रा HD 10 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले और नेविगेशन के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा इसके इंटीरियर में आपको नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ महिंद्रा की बेजिंग के साथ मल्टी फॉक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी और साथ ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रॉनिक एसेबिलिटी प्रोग्राम, लार्ज इलेक्ट्रिक सनरूफ, लार्ज बूट स्पेस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 3-row सीटिंग लेआउट, ऑल सीट विथ हेडरेस्ट, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको न्यू स्कॉर्पियो गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलेगी जबकि इसके सेफ्टी में आपको ऑल एयर बैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑल डिस्क ब्रेक, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग, वाइपर, हिल स्टार्ट असिस्टेंट, डाउन हिल कंट्रोल, टायर प्रेशर मल्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS विद TBD जैसे शानदार फीचर्स आपको महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन SUV स्कॉर्पियो गाड़ी के सेफ्टी में देखने को मिलेगी। दोस्तों अब अगर फाइनली बात करें महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन SUV स्कॉर्पियो गाड़ी की प्राइस की, तो प्राइस में आपको 12 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक की आपको महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन SUV स्कॉर्पियो गाड़ी इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन SUV स्कॉर्पियो गाड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।